हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक DHT ब्लॉकर शैम्पू का रिव्यू, जिसे मैं 3 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड 3 महीने पहले भी मैंने इसका एक रिव्यू शेयर किया था, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। बट ये एक अपडेटेड काइंड ऑफ रिव्यू है, मुझे कितना इससे बेनिफिट मिला है वो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो मेक श्योर वीडियो को आप पूरा देखें, एंड वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट फर्स्ट। ये है मार्स बाय GHC, मतलब गुड हेल्थ कंपनी का एक शैम्पू, विच इज़ हेयर नरिशिंग शैम्पू। एंड ये जो शैम्पू है ना, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो देखा था, फिर मुझे लगा ये एक DHT ब्लॉकर शैम्पू है, तो लेट मी ट्राई दिस वन। क्योंकि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो मेल व्यूअर्स हैं, एंड उनके लिए मैं कोई वीडियो नहीं ला पाती हूँ। अगर इस तरीके का वीडियो मैं शेयर करूँगी तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो पहले मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर देती हूँ वॉट इज DHT। DHT है डाई हाइड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन, जो कि हमारे बॉडी में ही सिक्रेटेड होता है। अगर उसका लेवल बढ़ जाता है तो हेयर फॉलिकल्स को वो श्रिंक कर देता है, विच इज़ वाई हेयर ग्रोथ नहीं होता, नए हेयर्स ग्रो नहीं हो पाते, बॉल्ड पैचेस आ जाते हैं, हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं, तो ये हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब DHT सिक्रीशन कब ज़्यादा हो जाता है? जब हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन लेवल ज़्यादा हो जाती है तब DHT सिक्रीशन ज़्यादा होती है, एंड तभी हम लोग ज़्यादा हेयर फॉल एंड बॉल पैचेस की प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब टेस्टोस्टेरॉन लेवल कई सारे प्रॉब्लम्स की वजह से भी बढ़ सकती है, जैसे ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटी की वजह से बढ़ती है। अगर आप जिमिंग करते हैं, इंटेंस फिजिकल वर्कआउट करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो आपका जो टेस्टोस्टेरॉन लेवल है वो बढ़ सकता है, उससे DHT सिक्रीशन भी बढ़ती है एंड हेयर फॉलिकल्स ज़्यादा जल्दी से श्रिंक हो जाते हैं, विच इज़ वाई नए हेयर की ग्रोथ नहीं होती और हेयर फॉल प्रॉब्लम्स भी आप फेस करते हैं, जो ज़्यादातर आजकल जनरली मेन फेस कर रहे हैं। बट इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये विमेन के लिए लागू नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन विमेन बॉडी में भी सिक्रीटेड होता है, काफ़ी कम क्वांटिटी में होता है, लेवल उसका बहुत कम होता है, बट होता है। तो DHT सिक्रीशन भी हो सकता है विमेन बॉडी में, जिससे कि आपका हेयर फॉल हो सकता है। तो अगर आप इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या फिर आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो ज़्यादा होता है, आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, आप किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व्ड है, तो आपके हेयर फॉल प्रॉब्लम्स फेस करना इज़ रियली पॉसिबल ड्यू टू DHT सिक्रीशन, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम मात्रा में भी बट सिक्रीटेड तो होता है। तो आप डेफिनेटली इस तरीके के शैम्पूस को ट्राई कर सकते हैं, मैंने इसे ट्राई किया है एंड बॉटल पूरा ख़त्म हो चुका है, सो मुझे लगा ये हाई टाइम है आप लोगों के साथ मेरा जो 3 महीने का ये जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने का। क्योंकि जनरली कुछ भी हम लोग नया इस्तेमाल करते हैं तो उसे 3 महीने मिनिमम इस्तेमाल करना पड़ता है टू नो द रिजल्ट, तो इसी वजह से आप लोग मेरा जो वो वाला वीडियो है उसमें अगर आप देखेंगे तो मेरे हेयर बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे उस वक्त, क्योंकि मैं बैडमिंटन खेलती हूँ एंड फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से कई बार DHT सिक्रीशन भी ज़्यादा होती है, और भी कई सारे रीजंस की वजह से हेयर फॉल होता है। बट इस शैम्पू को इस्तेमाल करके मेरे हेयर बहुत ही ज़्यादा मैंने चेंजेस नोटिस किया है हेयर में, क्योंकि ऐसा नहीं मैं नहीं बताऊंगी कि मेरे हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो गया है, हेयर फॉल तो हो रहा है, मॉनसून सीजन में तो ज़्यादा हो रहा था, बट हेयर ग्रोथ भी ज़्यादा हो रही है। यू नो व्हाट आई मीन, क्योंकि जब आपका हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है तो आपका स्कैल्प खाली नहीं होगा, बॉल्ड पैचेस नहीं आएंगे जितना भी आपका हेयर फॉल हो, तो मेरा जो हेयर फॉल लेवल है उससे ज़्यादा मेरा हेयर ग्रोथ लेवल हो रहा है। तो इसी वजह से मुझे तो ये शैम्पू अच्छा ही लगा इस्तेमाल करके, एंड मैं आप सभी को इसे रेकमेंड करूँगी। इस शैम्पू में जो इन्ग्रीडियंट्स है उसके बारे में पहले मैं बता दूँ, इसके अंदर है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, जो कि स्किन से जो डेड स्किन सेल्स है उसे रिमूव कर देता है, मतलब डैंड्रफ की प्रॉब्लम को ये एलोवेरा एक्सट्रैक्ट रिड्यूस करता है। तो अगर आपके एक्सट्रीम डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, जनरली हम लोग विंटर सीजन में फेस करते हैं, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल हाईली मॉइस्चराइजिंग एंड नरिशिंग है, जो आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट स्कैल्प से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, और ये जो आर्गन ऑयल है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो आपका स्कैल्प हेल्दी रहता है। नेक्स्ट है लिपोसोमल कफेन। तो कफेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक DHT ब्लॉकर है, वो DHT सिक्रीशन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स जो श्रिंक होता था ना वो श्रिंकेज नहीं होगी और हेयर ग्रोथ प्रमोट होगा,
होगा, योर फॉल रोकेगा। सो इसके अंदर ये जो लिपोसोमल कैफीन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए और हेल्दी हेयर के लिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मेरा जो कंक्लूशन है अबाउट दिस प्रोडक्ट इज दैट डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो भी अफोर्डेबल साइड में है। इसमें 200 ml का प्रोडक्ट आपको मिलेगा जिसका प्राइस है 479 rupees। मैंने परचेसिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर सकते हैं। पैकेजिंग भी यूज़र फ्रेंडली है, इस तरह से आपको इसे ओपन करना है प्रेस करके एंड ईजिली आप जो प्रोडक्ट है वो निकल जाता है। सो आई थिंक मैन वुमेन टीनेजर सभी इसे ट्राई कर सकते हैं। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बाय।